भारत के इस कड़ी में हम विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर का दर्शन करेंगे। नौवीं और दसवीं शताब्दी में खजुराहो चंदेल वंश के शासन के अधीन था। चंद्रवर्मन चंदेल राजवंश का संस्थापक बना। उनके माता जी का उनके सपनों में दर्शन हुआ, जिसने उसे मंदिर निर्माण करने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार चंद्रवर्मन ने मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू की। चंदेलों ने खजुराहो में झीलों और उद्यानों से घिरे 85 मंदिर का निर्माण किया। मूल 85 में से 22 मंदिर अब बचे रहे और अभी भी ये मंदिर उत्तर भारत में मध्यकालीन हिंदू मूर्तिकला और वास्तुकला के सबसे महान उदाहरणों में से एक है। सदियों से वनस्पति और जंगल मंदिर पर फैल गया और मंदिर जंगलों के बीच लुप्त हो गया। इन मंदिरों की खोज 1838 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशक सेना का एक युवा इंजीनियर टीएस बर्ट ने की थी, जो जिज्ञासावश अपने आधिकारिक कार्यक्रम से हटकर मंदिरों के इस उल्लेखनीय समूह की ओर चल पड़े, जिसके बारे में उनके पालकी वाहकों ने बात की थी। पश्चिमी मंदिर समूह में लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के सबसे पुराना संगठित और सुव्यवस्थित मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 950 ईस्वी में हुआ था। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें तिब्बत से लाई गई वैकुंठ विष्णु की एक पवित्र मूर्ति है। 4 सशस्त्र 3 सिर वाले भगवान विष्णु के इस राजसी रूप को वैकुंठ कहा जाता है। मंदिर की देवता को लक्ष्मण, रामचंद्र या चतुर्भुजा के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व की ओर मुख किए हुए इस मंदिर का कुल आयाम 85 फीट × 44 फीट की है और इसकी ऊंचाई 80 फीट की है। मंदिर 5 मंदिरों या पंचायतन परिसर है और वैकुंठ का प्रमुख मंदिर अपने 4 सहायक मंदिरों के साथ एक ऊंचे मंच के केंद्र में स्थित है। मुख्य मंदिर आयताकार छत के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों किनारे में 18 फीट × 11 फीट की 4 सहायक मंदिर है, जो संरचना को पूर्ण पंचायतन परिसर बनाते हैं। इन सहायक मंदिर की बाहरी दीवारों पर खुदी हुई उत्कृष्ट मूर्तिकला देखी जा सकती है। मंदिर की संरचना कुछ इस तरह की है। जगती अर्थात आधार या मंच, इसके बाद पीठा अर्थात जगती पट्टी का छोटा मंच, फिर अधिष्ठान अर्थात प्लिंथ, फिर जंगा यानी दीवार और फिर शिखर। मंदिर में कुल 4 शिखर हैं, 3 छोटा शिखर और 1 मूल शिखर। 3 शिखर मुखमंडप, मंडप और महामंडप की और 1 मूल शिखर गर्भगृह की। ये शिखर छोटी से बड़ी होती हुई क्रम में बनाई गई है। मूल शिखर दीवार के केंद्रीय छत के ऊपर छत है, जिसमें क्रमिक चोटियों की एक श्रृंखला है, जो शास्त्रों में अक्सर कैलाश या मेरु पर्वत की तरह दिखती है। इस मंदिर का शिखर 29 अंडकों का है, जिसमें 4 उरुश्रृंग और 24 छोटे श्रृंग शामिल हैं। मूल मंजरी 7 मंजिलों की है, जो 6 कोण अमलक द्वारा चिन्हित है। प्रत्येक कोण अमलक अर्धवृत्ताकार खंड का है।
छत के पेडिमेंट अधिरचना के आलों पर उत्कृष्ट छवियां बनी हुई हैं। मंदिर के अग्रभाग को दो भुजाओं वाले सूर्य की मूर्ति से सजाया गया है, जिसके हाथों में दो कमल है। वो कृति मुकुट और अन्य सामान्य आभूषण और पोशाक पहने हुए हैं। बाएं पैनल में एक महिला परिचारिका खड़ी है, जिसके दाहिने हाथों में एक सर्किल कमल का डंटल है और बाएं हाथों में एक दुपट्टा है। मुख मंडप की दक्षिणी भाग के पेडिमेंट चार भुजाओं वाले हरिहर का एक संयुक्त छवि को दर्शाता है, जिसके ऊपरी दाहिने हाथों में त्रिशूल और ऊपरी बाएं हाथों में चक्र है। ये त्रिशूल शिव का विशिष्ट आयुध है और चक्र विष्णु का। शास्त्र के अनुसार हरिहर के दाहिने आधे भाग में शिव और बाएं आधे भाग में विष्णु होना चाहिए। दक्षिण की ओर मंडप की छत की चौखट पर एक चतुर्भुजी खड़ी देवता को दिखाया गया है, जो बरद मुद्रा में अक्षमाला, शुक्र, पुस्तक और जलपात्र लिए हुए है। वो जटा मुकुट, कुंडल, पुस्तक, तोरण, हार, उपवीत, लंबी माला और निचले वस्त्र पहनते हैं, जिसमें रत्न जड़ित लटकन और दुपट्टे के साथ एक बेल्ट द्वारा बांधा जाता है। यहाँ भेड़ को भी आले में दर्शाया गया है, इसलिए देवता की पहचान अग्नि के रूप में की गई है। इसके दोनों ओर दो छोटे छोटे आले हैं और प्रत्येक आले में एक महिला परिचारिका को दर्शाया गया है। महामंडप के दक्षिणी अनुप्रस्थ भाग के ऊपर के पेडिमेंट में मध्यवर्ती आले में से एक में महिला आकृति के बजाय नंदीश्वर को दर्शाया गया है। गर्भगृह के पश्चिमी अनुप्रस्थ भाग के ऊपर के पेडिमेंट केंद्रीय पैनल में एक अर्ध दिव्य जुगल और अंतिम पैनल में एक मानव जुगल दिखता है। बीच वाले आले में सुर सुंदरी को दर्शाया गया है। मकर तोरण सरल प्रकार के हैं, जिसमें दो लोग दिखाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मगरमच्छ के मुंह से निकलता है, जिसमें एक दाढ़ी वाला ग्लैडिएटर ने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में दुपट्टे जैसे वस्तु लिए दर्शाया गया है। बाएं हाथ में कमल के फूल लिए एक पुरुष आकृति मगरमच्छ की सूंड पर बैठी हुई उकेरी गई है। लूपों को बिंदादार जोड़ों की एक चलती हुई फ्रीज से सजाया गया है, जो एक माला लिए हुए है या तलवार लहरा रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं या संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। लूपों की मिलन बिंदु को एक कृतिमुख के मुंह से गिरते हुए एक बड़े गगरक पेडिमेंट से सजाया गया है। मंदिर 10 फीट ऊंची जगती पर स्थित है। 11 सीढ़ियों की एक सीढ़ी, जिसके दोनों ओर दो आले हैं, जो अब खाली है, भूतल से जगती की छत तक ले जाती है। प्लिंथ की निचली श्रृंखला में शामिल है सादा विट्टा, सजावटी विट्टा, कर्णिका, नीचे वाली पट्टी, कमल की पंखुरियों से सजा हुआ विट्टा, स्टेंसिल किए गए ताम्रपत्र और ऊपर थकरिका के साथ नक्काशीदार जैत कुंभ, कुंजरक्ष डिजाइन से सजा हुआ छोटा अवकाश, ग्रास पट्टी, बैठे हुए हाथियों के उभरे हुए अग्रभाग को दिखाने वाला चौड़ा गजपीठ, जिसके दोनों ओर महावत खड़े हैं। कपोतपोली, जो ऊपर थकारक से सजा है और नीचे कमल की पंखुड़ियों से निकलती हुई गगरक, जगती पर सामाजिक जीवन और समाज को समर्पित मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसमें चंदेल काल के दौरान लोगों की सामाजिक स्थिति और जीवन के रहस्यों को भित्ति चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। शाही शिकार, दरबार में राजा, सेनाएं, नृत्य जुलूस, नृत्य क्लास, शिक्षक और शिष्य,
हाथियों का भित्ति चित्र है, घोड़े पर सैनिक आदि देखने को मिलता है। अगली कड़ी में हम लक्ष्मण मंदिर की दीवार या जंगा पर उकेरी गई सात ग्रह देवता, देवता शिव और देवता विष्णु के उत्कृष्ट मूर्तियों की दर्शन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।